पब्लिक फिगर होना आसान नहीं है, आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपकी प्राइवेसी में इश्यूज आते हैं, लोग आपके नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, और बात अगर आज की करें तो डीप फेक एक्टर्स और बाकी अहम लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में हमारे बॉलीवुड सेलेब्स की डीप फेक वीडियोज़ ने ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके फैंस को भी परेशान कर दिया है। अपनी इमेज और पॉपुलैरिटी के चलते एक्टर्स ने इन वीडियोस के अगेंस्ट लीगल स्टेप्स भी लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं नव्यान श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे उन एक्टर्स की जो डीप फेक वीडियोस के शिकार बन चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के स्टाइल आइकन और उनकी जो ना सिर्फ ग्रीन फ्लैग है बल्कि पूरा का पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है, मेरा मतलब रणवीर सिंह की। हाल ही में रणवीर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वो एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। रणवीर ने बिना समय गवाए इस वीडियो के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया और इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि डीप फेक से बचो दोस्तों। अब बात करेंगे उनकी जिनके मेट गाला के चर्चे पूरे सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, मेरा मतलब है आलिया भट्ट। ये तो आप सभी को पता होगा कि AI की मदद से डीप फेक काफ़ी कॉमन हो गया है। कुछ टाइम पहले एक्ट्रेस मामिका गावी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसका लोगों ने डीप फेक बना दिया। हुआ ये कि उस डीप फेक में वामिका का चेहरा आलिया भट्ट से रिप्लेस कर दिया गया। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फैंस को टाइम नहीं लगा ये बताने में कि कैसे ये वीडियो रियल नहीं है। आलिया के फैंस ने इंस्टाग्राम के थ्रू इस पर अपना कंसर्न भी एक्सप्रेस किया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की। आपको बता दें कि आमिर भी इससे बच नहीं पाए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जहां आमिर एक राजनीतिक पार्टी के समर्थन में बोलते हुए नजर आए। इस वीडियो में उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया गया था। उनके शो सत्यमेव जयते से उनकी आवाज़ की क्लिप्स निकाल कर एडिट करके उस डीप फेक वीडियो में इस्तेमाल किया गया था। आमिर ने तुरंत इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं और इसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया। अब बात करते हैं रश्मिका मंदाना की। आपको याद होगा कि कैसे जब रश्मिका की डीप फेक वीडियो सामने आई थी तो पूरे इंटरनेट पे कैसे सब हैरान रह गए थे। हर जगह बस उसी वीडियो के चर्चे थे और रश्मिका ने तुरंत ही इस वीडियो को डीप फेक बताकर FIR दर्ज की थी।